ये दोनों आवश्यक हैं। शिक्षा तो आवश्यक है ही, लेकिन हुनर भी आवश्यक है। और जन शिक्षण संस्थान के माध्यम से, जहां हमारे प्रधानमंत्री जी ने आत्मनिर्भर भारत की बात की है और आत्मनिर्भरता की ओर पूरे देश को ले जाने का प्रयास स्किल मिनिस्ट्री के द्वारा, स्किल डेवलपमेंट के द्वारा, एजुकेशन के द्वारा किया जा रहा है, उसी कड़ी में ये भी एक कार्यक्रम है कि हम स्किलिंग के थ्रू अपनी महिलाओं को आत्मनिर्भर बना सके। और कभी किसी समय बिलासपुर में भी इस तरह की गतिविधियां घर घर में चलती थी, जहां शॉल और मफलर तो नहीं, लेकिन दरिया बनाई जाती थी और कारपेट्स बनाए जाते थे, बिन्ने बनाए जाते थे, इस तरह की चीज़ें घरों में बनते थे। लेकिन शिक्षा के प्रचार प्रसार से नई पीढ़ी ने तो इस तरह के काम करना छोड़ ही दिया। लेकिन जो हमारे बुजुर्ग थे, उन्होंने भी धीरे धीरे, नई पीढ़ी का उत्साह ना होने के कारण, उन्होंने भी इन सब कामों को छोड़ दिया है। लेकिन एक बार फिर हमको अपने जड़ों से, अपने रूट से जुड़ने का एक अवसर है। और जिस तरह के कार्यक्रम और गतिविधियों के माध्यम से पूरा देश आगे बढ़ रहा है, उसी कड़ी में हम भी बिलासपुर में इस तरह के कुछ गतिविधियां लाने का, करने का प्रयास कर रहे हैं, जिसमें बिलासपुर की पहचान मिले और बिलासपुर को किसी प्रोडक्ट के माध्यम से एक नाम मिले और पहचान मिले। अभी किन्नौर जाओ तो आपको किन्नौर के एप्पल दिख जाएंगे, आपको किन्नौर के शॉल मिल जाएंगे, किन्नौर के मफलर मिल जाएंगे, किन्नौर की टोपियाँ मिल जाएंगी। शिमला की तरफ जाइए तो शिमला के वुडवर्क मिल जाएंगे, शिमला के और भी चीज़ों को आपको, एप्पल तो है ही अपर बेल्ट में, एप्पल से बनी हुई प्रोडक्ट्स मिल जाएंगे, जैसे जैम जली, इस तरह की चीज़ें हैं। आप किन्नौर और लाहौल स्पीति की तरफ जाइए तो याक वूल के शॉल मिल जाएंगे, और कुल्लू की तरफ जाएंगे तो आपको रैबिट वूल के शॉल मिल जाएंगे। वहाँ के टोपी जनरल सेक्रेटरी महाराजा अग्रसेन चैरिटेबल ट्रस्ट के हैं, सर्वहितकारी स्कूल चंडीगढ़ के भी प्रेसिडेंट हैं और पेट्रन कामधेनु गौशाला सेवा केंद्र के भी हैं। तो ऐसे सब लोग जो आज हमारे बीच मंच पर आसीन हैं, उनका चेतना संस्था हृदय से स्वागत करती है और आभार व्यक्त करती है। बहुत आसानी से आप इसको सीख जाएंगे। जितना हैंडलूम सेक्टर जो है वो सारे वर्ल्ड में, हिमाचल में भी हैंडलूम का बहुत ज्यादा काम है। हम लोग अगर हिमाचल को देखें तो हमारा ये काम सेकेंडरी है, मतलब मेन जो काम है वो हमारा खेती बाड़ी है। उसके बाद जब हमें समय मिलता है तो हम लोग हैंडलूम पे काम करते हैं। और एक औरत, जो अच्छी औरत या जो एक, वो 8 से 10 हजार रुपये महीना बहुत आसानी से कमा सकता है। तो औरतों के लिए ये बहुत अच्छा काम है कि आप अपना दिनचर्या पे घर बैठ के कमाती हैं। तो मुझे ये लगता है कि ये सबसे अच्छा व्यवसाय ये है। लोग ये नहीं, हमने ये नहीं देखा कि हमारे पास जो हुनर है जिससे हम पैसा कमा सकते हैं। उन बचपन में तो देता हूँ, मेरे अपने माँ बाप के यहाँ रह रही हूँ, लेकिन ऐसा लग रहा है कि मैं बहुत दिन यहाँ नहीं रह सकती माँ बाप के पास। तो संस्था के माध्यम से जहाँ हम अलग अलग प्रकार की गतिविधियाँ चला रहे हैं, वहाँ बिलासपुर की पहचान हम हैंडीक्राफ्ट, हैंडलूम के माध्यम से बना सके, इसका एक हमारा प्रयास है। और जैसा कि अभी मल्होत्रा जी ने कहा है, सिल्क एंड वुल दोनों के कॉम्बिनेशन से अगर हम प्रोडक्ट बनाते हैं तो मुझे लगता है हम बिलासपुर को एक पहचान दे सकेंगे। सिल्क वुल मिक्स शॉल मफलर, इस तरह के प्रोडक्ट्स हम बना के एक बिलासपुर के लिए कार्य करने का प्रयास कर रहे हैं। मुझे लगता है जिस तरह से बिलासपुर लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ सिल्क है, अगर इस बात को हम मूल मंत्र मानकर चले तो मुझे लगता है हम शीघ्र ही सिल्क वुल मिक्स प्रोडक्ट को बना सकेंगे। और ये एक प्रोजेक्ट के तहत एक बड़ा कार्यक्रम हमें शुरू करना पड़ेगा, जिसमें सिल्क के प्रोडक्शन भी बढ़े और सिल्क को खरीद कर उसके माध्यम से शॉल्स बने और भी प्रोडक्ट्स बन सकते हैं, उसके तरफ हम विशेष प्रयास करेंगे। और भारत सरकार के माध्यम से भी जो सहयोग मिल सकता है इस प्रोजेक्ट के लिए वो भी हम लेंगे, और प्रदेश सरकार के माध्यम से भी इस प्रोजेक्ट को चलाने में हम सफल होंगे।
के इस पावन पर्व में एक नए आयाम की शुरुआत की गई। स्किल के साथ साथ हथकरघा के माध्यम से महिलाओं के टैलेंट को उनके हुनर को डेवलप करने के लिए यहाँ एक ट्रेनिंग यूनिट हैंडीक्राफ्ट एंड हैंडलूम का शुरू किया गया है। हैंडलूम में निर्भर बनाने का जो एक सपना हमारे प्रधानमंत्री जी ने देखा है, उसको साकार करने में चेतना संस्था अपने प्रयास पे सफल होगी। मैं यह बताना चाहती हूँ कि कृष्णा वूल मंडी, जिनके संस्थापक ओम प्रकाश मल्होत्रा जी हैं, उनके सहयोग से और हमारे बीच में संयम कोचर जी हैं, उनके सहयोग से हमने इस प्रकल्प को शुरू किया है और 30 महिलाओं को प्रशिक्षित करने का कार्य प्रारंभ होगा आज से। और 6 महीने तक प्रशिक्षण की गतिविधि सीखने के बाद ये महिलाएं अपने आप इस कार्य को कर सकेंगी। या जिस महिला के पास हथकरघा का हुनर है, वो महिला का घर कभी भूखा नहीं सोएगा, उसके बच्चे कभी भूखे नहीं सोएंगे। अगर वो महिला कमाती है अपने घरों में, जो जैसे उसके घर में मवेशी भी हैं, उसके सास ससुर भी हैं, उसके छोटे से खेत खलियान भी हैं, वो सारा काम करने के बाद भी 5 से 10 हज़ार रुपये महीना तक वो वहाँ से अच्छा काम है। आने वाले समय में वैसे भी सारे वर्ल्ड में जो हैंडलूम्स हैं उसमें 80% हैंडलूम इंडिया में है। और हमारे मोदी जी का तो एक सपना है, प्रधानमंत्री जी का, कि हर एक घर में हैंडलूम हो, अच्छी हैंडलूम पे काम हो और खादी के प्रोडक्ट को लोगों को अपनाने के लिए बहुत ज़ोर शोर से वो एक कहते रहते हैं कि खादी का वो हैंडलूम का कपड़ा पहनिए। हैंडलूम का कपड़ा लेने से बहुत लोगों को, मशीन पे अगर आपकी कोई चीज़ बनती है तो उसका एक ही आदमी को फ़ायदा होता है, लेकिन हैंडलूम के कपड़े जो आप पहनते हैं उससे घरों घरों में लोगों को रोज़गार मिलता है।